राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। आप सभी प्रेमियों को देवशयनी एकादशी के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई, मंगल शुभकामनाएं। प्रेमियों, आज देवशयनी एकादशी है और आज से ही प्रभु श्री हरि विष्णु नारायण नारायण 4 मास के लिए विश्राम करते हैं। और कहा भी जाता है वैदिक पुराण हमारे कर्मकांड सनातनी नियम से कि आज से जो भी मांगलिक कार्य, जो भी सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जो होते हैं वो आज से बंद हो जाते हैं। और फिर पुनः देव उठनी एकादशी, जिसे हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जिसे तुलसी विवाह एकादशी के नाम से कहते हैं, जानते हैं, उसी एकादशी के दिन से फिर मांगलिक कार्य सभी प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज हम श्रीधाम वृंदावन का परिक्रमा करने जा रहे हैं, आपको परिक्रमा का दर्शन कराएंगे। और मेरे पीछे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो ब्रज की देवी हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अब हम परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। ये बंदर सेवा, आज एकादशी के दिन जो भी भक्तगण आते हैं वो बंदरों को केला, आम, जो भी मौसम के हिसाब से जो भी फल प्राप्त होता है अपने असामर्थ्य के अनुसार बंदरों को खिलाते हैं। कुंज निकुंज वन, इन वृक्षों को देख करके ऐसा लगता है वास्तव में वृंदावन की महिमा एक निराली ही है। यहाँ पर एक संदेश, सेव वाटर सेव लाइफ, जल ही जीवन है। तो अब हम धीरे धीरे परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए पानी गांव तिराहा के करीब पहुंच रहे हैं। साधु संत बैठे भिक्षाटन करते हुए, और आप पूर्ण संपूर्ण परिक्रमा का आनंद लीजिएगा। हालांकि पूरी परिक्रमा का वीडियो बनाना तो कम से कम 2.5 घंटे के वीडियो होंगे, लेकिन शॉर्ट में हम मुख्य स्थानों को दर्शन आज आपको हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ब्रज का जो परंपरा, जो भी पहले की परिक्रमा की महिमा यह है कि जो भी भक्तगण परिक्रमा करते हैं, जो भी सामर्थ्य के अनुसार, पांव में कोई चप्पल नहीं, हाथों में जप माला होता है और उस माला पर भगवान नाम स्मरण होता है। ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा की जय हो। बहुत सुंदर सुंदर परिक्रमा मार्ग में चित्र बनाया हुआ है दीवालों पर। ये बोइनी टटिया आश्रम कपिला गैया मैया। तो शॉर्ट में मैं आपको बहुत कुछ आज दिखाने वाला हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब हम धीरे धीरे चामुंडा मैया के करीब पहुँचने वाले हैं। अब मैं पहुँच गया राधा नाम राधा कुआं, रमण रेती के करीब पहुँच चुका हूँ मैं। रमण रेती के पास से ये जितने भी भक्तगण देख रहे हैं सुंदर सुंदर भगवान की चित्र का आनंद लेते हुए, और ये फुटपाथ पर रह रहे भिक्षु साथ ही अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कालिया दह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। अब हम धीरे धीरे उसके आगे जब पहुंचेंगे तो मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर, प्राचीन जमाने में द्वापर युग में यमुना मैया यहीं से बहा करती थी। ये स्थान वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला भी किया है, बहुत ऊँची। और इस मंदिर की महिमा बहुत प्राचीन है और सप्त देवालयों में ये एक मंदिर है। तो इस मंदिर में ज़रूर आए आप, यहीं से पास में अब श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाने का मार्ग भी है, VIP रोड पर स्थित। देखिए भक्त जो है, बहुत ऊंची मंदिर है, ऊंचे टीला पर मंदिर है, और मंदिर का दर्शन करने में बड़ा अद्भुत आनंद आता है। अब हम पहुँच चुके हैं VIP रोड स्थित बांके बिहारी जी के निकास द्वार, लेकिन हम आगे से प्रवेश द्वार की ओर चलेंगे। भक्तों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, धार्मिक वस्त्र, लड्डू गोपाल जी का ड्रेस, मुकुट, श्रृंगार सभी उपलब्ध होते हैं। एकादशी के दिन परिक्रमा मार्ग में चंदन, छोटे छोटे पंखे गोपाल जी के लिए, सिंदूर, मतलब सभी सामान्य सामग्रियां जो है सरल उपलब्ध हो जाते हैं, तरल पदार्थ, कंठी माला तुलसी जी का।
अब हम राधा वल्लभ जी वाले हिस्से में हम लोग अब चलेंगे, श्री वांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद राधे राधे कहते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास जी। अब हम पहुँच चुके हैं श्री वांके बिहारी जी के बहुत ही करीब। ये देखिए श्री वांके बिहारी जी के मंदिर, और हम आपको ऊपर शिखर का दर्शन कराएंगे। गुम्बद का दर्शन करने से भी ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है। ये बोलिए वांके बिहारी लाल की जय। अब थोड़ी देर में गेट खुलने वाला है, संध्या काल का 5:30 बजे का समय, तुरंत अब गेट खुलने वाला है। भक्तों के लिए बहुत गर्मी है लेकिन कूलर की व्यवस्था है। देखिए गेट खुल गया, गेट खुलते ही अब हम चलेंगे भीतर, वांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, झलक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप सभी भक्तों को दर्शन प्राप्त हो सके। जो भी है भक्तगण मोबाइल चला ही लेते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मोबाइल यहाँ पर चलाना मना है। तो बोलिए वांके बिहारी लाल की जय। फूल बंगला में विराजमान ठाकुर श्री वांके बिहारी लाल जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी दंडवत और प्रणाम करेंगे। देखिए जूही और मोगरे के फूलों से सजा ठाकुर जी का यह दरबार, दिव्य दरबार, बहुत ही सुंदर फूल बंगला। यह श्रावणी 30 तक चलता है परंपरा। अब हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके फिर हम पुनः परिक्रमा मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। गौ माता को हरे चारे की सेवा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, माता बहन जो इसको बेचती हैं, और ज़रूर सिंदूर ले जाना चाहिए, तीर्थों से सिंदूर अवश्य लेना चाहिए। प्राचीन यह सब घाट है, देखिए छोटे छोटे बालक कितने सुंदर यहाँ पे, बहुत रिस्की खेला है ये, बहुत रिस्की ये मनोरंजन है। हालांकि सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों को ज़रूर कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि यह खेला खेलना भी कोई साधारण कार्य नहीं है। तो अब हम जमुना मैया का करीब पहुंच चुके हैं। अब श्याम सुंदर श्री रमणीय महारानी की जय। यहाँ जमुना जी का दर्शन करेंगे, साथ ही हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे। यह घाट है जुगल घाट। श्याम सुंदर श्री रमणीय महारानी की जयकारा लगाते हुए अब हम चीर घाट पहुंच चुके हैं। वही घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के समय जमुना जी बहा करती थी, लेकिन यह मूल चिरघाट नहीं है। शास्त्रीय चिरघाट तो सिरगढ़ के पास है, लेकिन यहाँ भी एक स्थान दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे गोपियों का चिरहरण लीला किया था, हालांकि मूल स्थान यह नहीं है। अब हम धीरे धीरे केसी घाट पहुँचेंगे, और सुंदर सुंदर खिलौने भी बिकते हैं परिक्रमा मार्ग में। तो अब हम धीरे धीरे केसी घाट पहुँच चुके हैं। केसी घाट वो स्थान है जहाँ कंस के द्वारा भेजा गया केसी नाम का राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, और यहाँ पर पितरों के निमित्तार्थ यमुना जी का आचमन करना चाहिए, पक्षियों को दाना देना चाहिए। केसी घाट पर पिंडदान तर्पण होता है। केसी घाट पर जाएं आएं तो ज़रूर पितरों के लिए कुछ ना कुछ करें, कार्य करें, और ब्रजवासी जो ब्राह्मण होते हैं उनके माध्यम के अनुसार ही करें, उनके दिशा निर्देश में करें। प्राचीन श्री रणुआ महादेव, इस महादेव ये बहुत प्राचीन मंदिर है महादेव जी का। यहाँ पे कोई छत नहीं है, छत कई बार बनाने का प्रयास किया गया लेकिन बन नहीं पाया। यहाँ पार्वती जी नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ हैं। जमुना मैया का आरती घाट, यहाँ अब संध्या काल का आरती होने वाला। ये किसी घाट का मैं आपको भवन का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से ये प्राचीन हनुमान जी महाराज केसी घाट पर स्थित। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ पे माताएं बहन कीर्तन किया करती हैं नित्य संध्या काल में। तो अब हम आगे चलेंगे, प्राचीन जमुना मैया का मंदिर का दर्शन करेंगे। सामने दिख रहा है ये मंदिर, ये श्याम सुंदर जमुनी महारानी का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर देखिए एक घोड़े के रूप में बद्ध करते, राक्षस का बद्ध करते भगवान श्री कृष्ण का फोटो भी नीचे लगाया गया है। ये देखिए, तो ये लीला यहीं हुआ था यमुना मैया के साथ। अब देखिए जो भक्तगण परिक्रमा कर रहे हैं, माता बहन बेटी सभी नंगे पांव चल करके श्रीधाम वृंदावन का पंचकोशीय परिक्रमा कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। गौशाला में सेवा कर सकते हैं आप, भक्तगण जो हैं गौ माता को हरे चारे का सेवा करते हुए आप देख पा रहे हैं। तो वृंदावन का परिक्रमा के बारे में जितना भी कहा जाए कम पड़ेगा, जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाने का बराबर है। तो गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, विद्यार्थी, भागवत कथा व्यास, संत, महापुरुष, भक्तगण, यात्री, ब्रजवासी सभी एकादशी को परिक्रमा करते हैं, और एकादशी परिक्रमा का बहुत ही महत्व है श्रीधाम वृंदावन में।
आप कभी भी आएँ। एकादशी के दिन यदि आप यहाँ रुक रहे हैं तो परिक्रमा किए बिना आप न रुकें, ये मेरा निवेदन है। देखिए गौ माता भी, ये गौ माता कब से मेरे साथ चल रही है, मैं कब से शूटिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ, मानो कि ऐसा लग रहा है कि गौ माता भी अपने कान्हा के लिए परिक्रमा कर रही हैं। और ऐसे कई गौ माता आपको देखने को मिल जाएंगी जो परिक्रमा करती हैं। तो ये रियल सच्चाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे पीछे थी, अब ये भक्तगण परिक्रमा अब थोड़े समय में लास्ट होने वाला है। तो आप इस दर्शन को अवश्य शेयर करिएगा। आपका अपना प्यारा चैनल, भक्तों का प्यारा चैनल, ब्रजवासियों का प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया में आपका स्वागत और अभिनंदन है। महाप्रसाद के साथ अब हम परिक्रमा का यह दर्शन अब यही विश्राम देंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।